नहीं जाए। दादा अपने पोते से बहुत स्नेह करता है। एक वो लोग जिनके कोई संतान ना हुई हो वो पितर के रूप में उस परिवार के अंदर रहते हैं। अगर व्यक्ति उनके प्रति सच्ची आस्था रखे तो निश्चित तौर पे किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, पहली बात तो वो होगा ही नहीं, और अगर हो गया है तो उसे आप मात्र क्षमा मांग ले, आपका वो रोग ही दूर हो जाएगा। इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि पहले तो आदमी का उपस्थित सामना होना जरूरी था, लेकिन अब वैज्ञानिक युग है, वीडियो के ऊपर भी आदमी को सामने ले लेते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हो रही है, और अब तो 30,000 जैसी छोटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भवन में प्रारंभ होगी। तो इसमें पहले तो वो व्यक्ति हमारे सामने होता था तब हम ये कर पाते थे, लेकिन अब हमने टेलीफोन के ऊपर व्हाट्सएप पर जाके और उस व्यक्ति को सामने ले लेते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं, क्योंकि नाम भले ही हमें पता हो लेकिन हमें उससे पूछना है। पूछने के बाद हम प्रार्थना करते हैं कि हे आदरणीय राजकुमार जी के परिवार की महान पितर आत्मा हो, ये आपके कुल का रोशन चिराग है, इससे आपके वंश की बढ़ोतरी हुई है या बढ़ोतरी होगी, और आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आपके वंश का होने के लिए आपका आशीर्वाद इसके लिए बहुत आवश्यक है। इससे कोई गलती हुई हो, इसके परिवार से गलती हुई हो, तो ये क्षमा प्रार्थी है, आप इसकी गलतियों को क्षमा करें। उसके बाद हम उस व्यक्ति से कहते हैं कि भाई आप कोई गलती हुई है तो मानते हो, तो वो कहेगा जी हाँ अगर हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। फिर इसका एक मंत्र है, गुरसत गुरसत गुरे नीर गुरसाय हर सच्चे गुरु लक्ष्मण गुरु तंत मंत्र गुरु अखिल निरंजन गुरुबिन सज्जे देवा दीजे गुरुबिन होम जाप ना कीजे गुरुबिन कीजे गारा तीन भवन ये विस्नारा गुरु सु अंक हमारा सो सकता विष्णुता सत नाम आदेश। ये उच्चारण करने के बाद बद आकू बद आयला आकू आकू कुंसी फोड़ा मेरा आका ना आके लगे शाहिल साहब का कोड़ा। शाहिल जल देवता को कहते हैं, तो जल देवता की एक तरह से उसे सौगंध दे दी जाती है। कोई फोड़ा होगा फुंसी होगी या कोई भी जीवाणु होगा उससे समाप्त, और ये सत्य है, आप अजमा सकते हैं। बच्चे और बुजुर्ग पे थोड़ा सा रिस्क कहाँ आ जाता है कि उनका मनोबल थोड़ा सा कमजोर होता है। अब एक छोटा बच्चा है 10 साल से कम का, आप उससे कहो बेटे नहीं रोना, वो क्या रोग में वो हल्की सी बात पर जिद करके वो नहीं मानेगा, तो उसको मनाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही बुजुर्ग जो है अगर उसका मनोबल कम हो गया